अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन मुनव्वर है और ये मेरा पहला वीलॉग है। मैं आज जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो है करप्शन। पाकिस्तान को दरपेश बुहरानों की वजूहात को अगर किसी एक लफ्ज़ में समोकर बयान कर दिया जाए तो वो लफ्ज़ है करप्शन। ये वो दीमक है जिसने ना सिर्फ कौमी वसाइल को ही हड़प किया बल्कि इस्लाम के नाम पर हासिल होने वाली इखलाकी कदरों को भी बुरी तरह से पमाल किया है। अब हालात ये हो चुके हैं कि हमारे माशरे में करप्शन को बिल्कुल गलत नहीं समझा जाता। आज करप्शन पाकिस्तान की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। ज़कातो उशर से तलीम, आमदोरफ़ से एहतसाब तक कोई एक भी ऐसा अदारा मौजूद नहीं है जिसको हम करप्शन से मुबरा कह सकें। 80 मिलियन पाकिस्तानियों को करप्शन की वजह से दो वक्त का खाना मुयसर नहीं होता। करप्शन के बायस नाइंसाफ़ी का शिकार होने वाले लोगों को बरवक़्त इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता। करप्शन के असरात की वजह से गरीब मासूम बच्चों से उनका बचपन छीनकर उनको मजदूर बना दिया जाता है और करप्शन की वजह से बेरोज़गार अफराद मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुलव्वस होते हैं। करप्शन ने पूरे माशरे को मफलूज करके रख दिया है। अब सवाल ये है कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जाए। इसको रोकने में नैब अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है लेकिन वो कभी भी मुकम्मल तौर पर इस बुराई को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर इस बुराई को ख़त्म करना है तो तमाम आवाम को मिलकर नैब का साथ देना होगा, तभी हम इस बुराई को अपने माशरे से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं और अपने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।